राम राम जी, आज परदेशी जाट आपको घुमाने जा रहा है स्विट्जरलैंड की बेहतरीन जगहों में से एक इंटरलाकन। और जी हमारी ट्रेन आ चुकी है और इसी ट्रेन से हम जाएंगे थून। तो यह है लोकल ट्रेन और इसके बाद हम जाएंगे इंटरसिटी में। चलते हैं। ये है सीट। और इस टाइम पे हम थून स्टेशन पे हैं और हमारी नेक्स्ट ट्रेन इंटरसिटी आ चुकी है। ये डबल डेकर ट्रेन है और अब हम इससे जाएंगे इंटरलाकन। ओके जी, चलो चलते हैं ट्रेन के अंदर। और हम आ गए हैं ट्रेन के अंदर, फर्स्ट क्लास ट्रेन। आज ये है रेस्टोरेंट हमारे ट्रेन के अंदर ही। हमारी प्यारी सी वाइफ मोनिका जी और इस टाइम पे स्विट्जरलैंड भ्रमण पे हैं मेरे साथ। अब हम इंटरलाकन पहुंच चुके हैं जी। ये रही वो ट्रेन जिससे हम आए हैं और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा यहाँ की वादियों का, पहाड़ों से घिरा हुआ है ये बिल्कुल। और जी इस टाइम पे हम हैं इंटरलाकन के अंदर और बहुत ही बेहतरीन मार्केट है ये, बहुत फेमस है खासकर इंडियंस के बीच। मैं आपको ज़रा एक छोटी सी झलक दिखा दूँ। यहाँ जो ये चश्मे की शॉप है पूरा अंदर देखो आप, चश्मे है ठीक है। और ये वाला जो चश्मा है अगर आप देख पा रहे हो सही से तो करीब 949 फ्रैंक का है, करीब 70,000 रुपये इंडियन। और इसके बिल्कुल बराबर में ये जो है ये है करीब 2,500 फ्रैंक, तो करीब 2.25 लाख रुपए के आसपास का ये चश्मा है। थोड़ा जूम करके देख लो कुछ खास बात हो इसके अंदर तो बताओ, हद हो गई मतलब हद। और ये जो आपके सामने दिख रहा है ग्रैंड होटल, ये यहाँ का एक 5-स्टार होटल है और काफ़ी महंगा स्विट्ज़रलैंड के अंदर, मोस्ट एक्सपेंसिव वंस के अंदर। और अगर आप ऊपर देख पा रहे हैं तो पैराग्लाइडिंग भी चल रही है और ये सब पैराग्लाइडर बिल्कुल हमारे पास राइट हैंड साइड पे यहाँ आकर लैंड कर रहे हैं। इस ग्राउंड के अंदर आके वो देखो एक ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, उसने आके भी लैंड किया और ये एक कर रहा है। ये छोटा शायद बच्चा है। बिल्कुल हमारे ऊपर और वो जो सामने आपको एक पहाड़ दिख रहा है वो है यंगफ्राउ वॉक, इसको टॉप ऑफ द यूरोप भी बोलते हैं। द हीरो करके जो सनी देओल की मूवी है उसके अंदर इसी को ही दिखाया गया है। और ये अब लैंड करने की तैयारी में। और एक इधर भी है।
और जी ये हो गई लैंडिंग। इसके अंदर एक ट्रेनर होता है, मतलब साथ में वो जाएगा आपके प्रोफेशनल बंदा, आपको केवल बैठना होता है और कुछ नहीं। ये छोटा सा बच्चा है देखो, ये जो कल अभी उतरा है, इसके अंदर एक छोटी सी गुड़िया है। ओके जी चलो आपको पैराग्लाइडिंग दिखा दी। यहाँ तो मतलब पूरे दिन का है, लाइन टूटेगी नहीं, आते ही रहेंगे। चलो जी राम राम। यहाँ से पैराशूट पैक करके अपना फिर से जो कस्टमर होते हैं उनको लेके फिर ऊपर पहाड़ पे चले जाते हैं, उधर से फिर आ जाते हैं। भाई यही काम है इनका, उधर ही इनकी बसें खड़ी हुई हैं वैन टाइप। स्विट्जरलैंड की बेहतरीन वादियों के अंदर ठीक इस जगह चल रही है मुरारी बापू जी की राम कथा, जिसको आज हम भी सुनेंगे। एक बार पहले भी आए हैं हम, और चलते हैं अब कथा के स्थान में। ये देखिए, ये है यश चोपड़ा जी का स्टैचू, उनका अपने कैमरे के साथ दिखाया गया है। एम्बेसडर ऑफ इंटरलाकन बोला जाता है इनको। और ये है वो जगह कांग्रेस सेंटर कुरसाल इंटरलाकन, जहां मुरारी बापू जी की कथा चल रही है और हम एंट्री कर रहे हैं। और जी यहाँ पे हम हैं इस टाइम पे इंटरलाकन के अंदर, और जहाँ पे कथा हो रही थी उसके ठीक पीछे। तो ये देखिए कितनी बेहतरीन जगह है। ये आरे नाम की एक रिवर है, और ये कनेक्ट करती है दो लेक्स को। और ये देखिए पहाड़ और बेहतरीन नज़ारे, और ऊपर अगर आपको दिखे तो वो पैराग्लाइडर्स हैं जो ऊपर उड़ रहे हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, ये देखिए वो इस पहाड़ के पीछे से एक दूसरा पहाड़ है काफ़ी बड़ा, तो वे वहाँ से आ रहे हैं सारे, और जो जगह मैंने दिखाई थी वो वहाँ पर आ कर लैंड करते हैं। तो ये है जी बेहतरीन नज़ारे। और जितने भी लोग कथा में आए हुए थे वहाँ, ये जो बसेस खड़ी हुई हैं ये देखिए, ये इन बसेस से सीधा एयरपोर्ट जा रहे हैं। और बहुत ही अच्छा आयोजन कथा का आज समाप्त हुआ है, और इधर अपने देश का झंडा भी लगा हुआ है, देखिए बेहतरीन। और हम हैं इस टाइम पे इंटरलाकन के एक बहुत ही बेहतरीन जगह,
ये है आरे रिवर, अगेन हम इसके ऊपर हैं। और जी हाँ, शान से तिरंगा लहराता हुआ स्विट्जरलैंड के अंदर भी फर्स्ट क्लास। हाँ जी, ये भाई साहब बता रहे हैं, वो बताओ जी जरा कुछ। इंडिया का झंडा पूरी दुनिया में लहरा रहा है एक दिन। बिल्कुल जी बिल्कुल। और अब हम बाहर आ चुके हैं जहाँ पे कथा हो रही थी उस जगह के, और ये देखिए नज़ारा यहाँ की सड़कों का। इस टाइम पे यहाँ सब जगह इंडियंस ही इंडियंस हैं, और मोस्टली ये जगह फेमस भी इंडियंस और चाइनीज़ के बीच में है। और जी ये सामने एक रेस्टोरेंट है शालीमार करके, तो इस पे इंडियन एंड पाकिस्तानी फूड मिल रहा है। और ये देखिए, मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं, इंडिया का और सऊदी अरेबिया का और शायद बहरीन है एक, ये इनका फ्लैग लगा हुआ है इसमें, ये देखिए। तो इंटरलाकन ईस्ट का ये रेलवे स्टेशन है, और ये देखिए कितना फर्स्ट क्लास, साफ सुथरा बिल्कुल, ना कोई किच किच ना कोई पिच पिच। और यहाँ मछलियों का प्रोग्राम चल रहा है, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। और मोनिका जी यहाँ पे बैठी हुई हैं, मछलियों को कंपनी दे रही हैं। और स्विस लोग, और इधर की तरफ पूरा दोनों तरफ सड़कों के ये चल रही हैं दुकानें बढ़िया वाली। और ये मैं आपको दिखाऊंगी, ये हैं घंटियाँ जो यहाँ स्विस लोग अपनी गायों के गले में बांधते हैं। अगर आप इसमें देखो, ये देखो गायों के गले में, तो ये काफ़ी फेमस है यहाँ स्विट्ज़रलैंड के अंदर। ये है बाइक, अगर आप बाइक मतलब यहाँ बाइक बोलते हैं साइकिल को, तो देखो बाइक रेंटल, तो आप ये रेंट पे ले सकते हो। और ये देखो यहाँ उर्दू में लिखा हुआ है, पूरा उर्दू नहीं है, अरबिक है, अरबिक है। और यहाँ आप बुक कर सकते हैं स्काई डाइविंग के लिए, राफ्टिंग के लिए, पैराग्लाइडिंग के लिए, और बोट वगैरह सब कुछ। और जी ये अलग टाइप की कुछ पैराग्लाइडिंग है, ये एक चील चील सा जो होता है उसके नीचे लटके हुए हैं दो आदमी, एक ट्रेनर और मतलब ट्रेनर का प्रोफेशनल, और एक मतलब जो नॉर्मल बंदा करता है। तो इनकी तीनों की लैंडिंग होने वाली है, एक तीसरा हो रहा, और लैंडिंग को कैप्चर करने के लिए हम रेडी हैं बिल्कुल।
काफी बड़ी चीज है और ये बिल्कुल शायद यहीं आएंगे बिल्कुल। मोनिका देखते रहना, और ये लैंड हो चुके हैं। और ये काफी इजी है लैंड होना इसका, और ये छोटा सा बच्चा भी कर आया है, और ये एक ये और एक इधर एक बहुत ही छोटा बच्चा है, वो ये जो छोटा वाला है ये भी इस राइड को करके लौट रहा है। बेहतरीन एक्सपीरियंस। और जी घोड़ा तांगा केवल इंडिया में ही नहीं चलता, घोड़ा तांगा स्विट्जरलैंड में भी चलता है। ये देखो और अभी दिखाते हैं आपको राइड भी इसकी, देखो कैसे चलते हैं। ये जो घड़ी आपको दिख रही है सामने है, एक 5,700 फ्रैंक की है, एक 5,400 फ्रैंक की है, तो करीब 4 लाख रुपए से ज़्यादा की ये घड़ियां हैं दोनों। ये देखिए आपको कितने सारे पैराग्लाइडर दिखेंगे पूरा आसमान के अंदर। ये देखिए इधर भी देखिए, इधर भी देखिए, सब तरफ छाए पड़े हैं। तो इसको यहाँ करने का चार्ज है करीब 15,000 रुपए और वीडियो के 3,000 रुपए, और लगभग हम अब जाने वाले हैं उससे पहले कि ये फाइनल तस्वीरें आपको मैं सीधे पहुँचा रहा हूँ। और इधर ये नेपाली और इंडियन रेस्टोरेंट है, बॉलीवुड करके देखो कुछ बॉलीवुड इंडियन रेस्टोरेंट, वेलकम इंडिया किंग। तो और उधर पहाड़ देखिए क्या फर्स्ट क्लास पहाड़। चलो जी तो फिर हैं आज ये छोटा सा कीड़ा है कोई, और ये ट्रेन के अंदर एक किड्स जोन बना हुआ है, यहाँ बच्चे आराम से खेल सकते हैं। अब हम घर पहुंचने वाले हैं, हमारे घर के पास का ही है ये सब नज़ारा। ये बोट्स वगैरह है अंदर, खूब एंजॉय करो लेक के अंदर। ओके जी, राम राम।